मेरे सभी दोस्तों को जय श्री राम। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक और नए शानदार वीडियो में। तो लीजिए दोस्तों, आपके लिए मैं यहाँ पर लेकर आ गया हूँ कक्षा 10वीं से हिंदी मासिक मूल्यांकन माह जुलाई 2024। 31 जुलाई को आपका जो टेस्ट होने वाला है उसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल 20 नंबर का पेपर रहने वाला है। तो आप बिल्कुल 20 में से 20 अंक प्राप्त करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद में। 1 घंटे के समय आपको यहाँ पर सॉल्व करने के लिए दी जाएगा। तो आइए वीडियो को हम बिना किसी देरी यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर सही विकल्प का चयन कर उत्तर लिखना है। पहला क्वेश्चन है, बिहारी किस काव्य धारा के कवि है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बा, रीति सिद्ध। सेकेंड क्वेश्चन है, सूर्य के पद की भाषा कौन सी है? तो दोस्तों सूर्य के पद की भाषा है ब्रज। थर्ड क्वेश्चन है, हालदार साहब के चेहरे पर मुस्कान फैल गई? उत्तर होगा कौतुक भरी। चौथा क्वेश्चन है, भोलानाथ के पिता उन्हें गोरस भात सान कर खिलाते थे, किसमें? फूल के कटोरे में। अब देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति हमें यहाँ पर करनी है। पहला है, स्थायी भावों के उत्पन्न होने के कारणों को क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। अगला है, रमणीयात प्रतिपाद का शब्द क्या होता है? दोस्तों काव्या, ये इसके परिभाषा होती है। थर्ड है, एक अंक वाली रचन के कहलाती है, एक अंक वाली रचन कहलाती है एकांकी। चौथा क्वेश्चन है, प्रतिदिन में कौन सा समास है? दोस्तों प्रतिदिन, देखिए यहाँ पर प्रति है ना, प्रति क्या है? अव्यय है। तो दोस्तों यहाँ पर ये कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। अब देखिए, हमें यहाँ पर सत्य फिर असत्य लिखना है। पहला है, भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर बहुत का तिलक लगाते थे, ये कथन आपका यहाँ पर सत्य होगा। सेकंड है, उद्धव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा, ये कथन असत्य होगा। थर्ड है, हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के काम के संबंध में उस कस्बे से गुजरते थे, ये कथन भी सत्य यहाँ पर हो जाएगा। अगला है, जगन्नाथ में विषक संधि है, ये कथन असत्य होगा। इसके बाद में देखिए, हमें यहाँ पर सही जोड़ी मिलाकर लिखनी है। पहला है, सूर्य के पद इसकी सही जोड़ी मिलाएगी भ्रमर गीत से। दूसरा है, देहात दुनिया इसकी सही जोड़ी मिलाएगी पहला आंचलिक उपन्यास से। नगर पालिका कार्य क्या होते हैं? सड़कें पक्की करवा देना। प्रयोगवाद के जनक कौन माने जाते हैं? अज्ञेय। इसके बाद में देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला, मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उसका उत्तर होगा उद्धव के लिए। सेकंड है, किसी एक खंड काव्य का हमें यहाँ पर नाम लिखना है, तो दोस्तों यहाँ पर लिख देंगे आप पंचवटी। थर्ड है, संधि के भेदों के नाम लिखिए, उत्तर स्वर है ना, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर व्यंजन और विसर्ग। चौथा है, भोलानाथ के बाबूजी की नहाने वाली चौकी किस काम आती थी? रंगमंच के लिए। अब देखिए, छठा क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस से की गई? तो दोस्तों इसका आंसर हम देखते हैं। देखिए, उद्धव के गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर रहता है, अर्थात श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर भी वे श्री कृष्ण के प्रभाव से मुक्त है। दूसरा, वे जल के मध्य रखे तिल के गागर यानी कि मटके की भांति है, जिस पर जल की एक बूंद भी टिक नहीं पाती। अब देखिए, 7वां क्वेश्चन है हमारा, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, चश्मे वाला कभी सेनानी नहीं रहा, परंतु चश्मे वाला एक देशभक्त नागरिक भी था, उसके हृदय में देश के वीर जवानों के प्रति सम्मान था, वह अपनी ओर से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर अवश्य लगाता था, उसकी इसी भावना को देखकर लोग उसे कैप्टन कहते थे। इसके बाद में देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? तो इसको उत्तर आप लिखेंगे, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को उनके साथ रहकर, उनकी सिखाई हुई बातों में रुचि लेकर, उनके लिए खेल करके, उन्हें चूम कर, उनकी गोद में या कंधे पर बैठकर प्रकट करते हैं। अब देखिए, हमारे यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है, शाला शुल्क से मुक्ति हेतु अपने प्रचार को आवेदन पत्र लिखिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं, इस तरह आपको आवेदन पत्र लिख देना है। देखिए, शाला शुल्क मुक्ति के संबंध में यहाँ पर आप अपने विद्यालय का नाम जरूर से लिखिएगा, तो इस तरह आपको लिख देना है। मान्यवर सवीर ने निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं का छात्र हूँ, मेरे पिताजी एक स्थान पर प्राइवेट नौकरी करते हैं, उनकी मासिक आय अत्यंत सीमित है, इतने कम वेतन से परिवार की रोजी रोटी की समस्या भी कठिनाई से हल हो पाती है, पिताजी के पास पैसे की कमी होने के कारण मैं अपनी सारा शुल्क देने में असमर्थ हूँ, अतः आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप मेरी
इन परिस्थितियों को दृष्टिपथ में रखते हुए साला शुल्क मुक्त करने की कृपा करें। इस विषय में जो भी साला के नियम है वह मुझे स्वीकार है। इस कृपा के लिए मैं आपका आजीवन आभारी रहूंगा। तो दोस्तों, इस तरह हमने यहाँ पर इस वीडियो में कक्षा 10वीं हिंदी के प्रश्न पत्र का कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।